वालेकुम क्या तुम आज की कहानी के लिए तैयार हो बताइए ना उनके साथ रेगिस्तान में क्या हुआ था <laughs> इतना उतावलापन चलो ठीक है वहाँ से आरंभ करते हैं जहाँ कल हमने कहानी छोड़ी थी बिस्मिल्लाह नबी इब्राहिम अल सलाम की परीक्षा नबी इब्राहिम अलैह सलाम ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को उजाड़ रेगिस्तान में छोड़ दिया जैसा कि अल्लाह सुबहानल ताला ने उन्हें आदेश दिया था जब उन्होंने उन्हें वहाँ छोड़ा तो उनके पास बहुत थोड़ा खाना और पानी बचा था जो कि अधिक से अधिक दो दिनों की पूर्ति कर सकता था वो वहाँ ऐसी चले गए और ये प्रार्थना करने लगे की उन्हें कोई भले लोग मिल जाए नबी जो पानी छोड़ कर गए थे हजर ने वो पी लिया ताकि वो अपने बच्चे की भूख मिटा सकें। पानी जल्दी ही समाप्त हो गया और उन दोनों को प्यास लगने लगी कुछ देर बाद प्यास के कारण बच्चा रोने लगा वो समीप की एक पहाड़ी अलमरवाह पर गई इस आशा में कि कोई उन्हें वहां मिल जाए वो किसी को ढूंढने के लिए वहाँ खड़ी रही लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला फिर वो पास ही की एक और पहाड़ी अलसफा पर पहुंची इस आशा में कि कोई उन्हें वहां मिल जाए किंतु उन्हें वहां भी कोई नहीं मिला इस प्रकार दोनों पहाड़ियों के बीच उन्होंने सात बार प्रयास किया जब वो अंतिम बार अल मरवाह पर गई तो वो काफी थकी हुई थी वो इतना थक गई थी कि अपने बच्चे के समीप बैठ गई तभी उन्होंने एक आवाज सुनी वो चुपचाप बैठ गए ताकि फिर से उस आवाज को सुन सके जब उन्होंने दूसरी बार भी वही आवाज सुनी तब उन्होंने कहा आप जो भी हो मुझे आपकी आवाज सुनाई दी है क्या आप मेरी सहायता करेंगे तभी उन्होंने एक देवदूत को धरती में से मिट्टी निकालते देखा वो तब तक मिट्टी निकालता रहा जब तक कि वहाँ पानी नहीं निकल आया तो से से घेर कर रोकने का प्रयास किया उन्होंने अपनी अंजुली में पानी लिया और पी लिया और फिर उन्होंने अपनी छागल को पानी से भर लिया और बच्चे की तरफ दौड़ी ये जगह जहाँ पानी निकला उसे जमजम कहा जाता है कुछ दिनों बाद कुछ लोग मक्का की ओर यात्रा कर रहे थे उन्होंने अलमरवा पहाड़ी के आसपास पक्षियों को उड़ते हुए देखा उन्होंने सोचा कि ये पक्षी पानी के ही आसपास उड़ रहे होंगे इसलिए वो अलमरवा की तरफ चल पड़े जब वो वहाँ पहुँचे तो पानी के समीप एक महिला और एक बच्चे को बैठा देख आश्चर्यचकित रह गए क्या हम यहाँ रुक ही पानी पी सकते हैं उन्होंने उनसे पूछा हजर ने कहा हाँ और उन्होंने जमजम से पानी पी लिया उन्हीं के तरह दूसरे लोग भी अलमरवाह आए और वहाँ के निवासी हो गए पूरा क्षेत्र अब अब जीवित हो उठा। हजर और उनका बेटा अब वहां अकेला नहीं था। इस्माइल बड़ा हो गया और उन लोगों से अरबी सीखने लगा जो अलमरवाह में आकर रहने लगे थे वो एक भला लड़का था लोग उसके गुणों और उसकी विशेषताओं के कारण उसकी प्रशंसा करते वो निरंतर अपने पिता के बारे में सोचता उसे पता था कि एक न एक दिन उसके पिता वापस आएंगे इस्माइल ने वहीं की एक लड़की से विवाह किया और सुखचैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगा इस बीच नबी इब्राहिम सलाम बहुत हताश थे क्योंकि उन्होंने बहुत समय से अपने पुत्र को नहीं देखा था एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र से मिलने के लिए मक्का जाने का निर्णय लिया वो कई दिनों तक यात्रा करते रहे और अल-मरवा पहुंच गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो पहुंचे, उन्हें लोगों ने बताया कि उनकी पत्नी हजर का देहांत हो चुका है नबी यह सुनकर दुखी हो गए और जब लोगों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा इस्माइल अभी जीवित है तो उन्हें राहत हुई और उन्होंने अल्लाह को धन्यवाद दिया जब इस्माइल ने अपने पिता को देखा तो वो उनकी तरफ दौड़ा और उनसे लिपट गया उसे अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं हो रहा था एक लंबे समय के बाद अपने पिता को देखकर वो प्रफुल्लित हो उठा। ये दोनों के लिए ही प्रसन्नता की घड़ी थी लेकिन एक दिन अल्लाह ने नबी इब्राहिम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया एक रात नबी जब सो रहे थे तो उन्होंने एक सपना देखा कि वो अल्लाह सुबहान ताला को देने के लिए अपने ही पुत्र का वध कर रही हैं। जब वो नींद से जागे तब उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये मात्र एक स्वप्न था लेकिन अगली रात उन्होंने फिर वही सपना देखा और इस बार उन्हें लगा कि ये मात्र एक स्वप्न नहीं है अल्लाह स्वयं उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं नबी अपने पुत्र के पास गए और उसे सपने के बारे में बताया इस्माइल को भी यह लगा कि यह अल्लाह का आदेश है अल्लाह जैसा कहते हैं आप वैसा करें उसने अपने पिता से कहा अगले दिन नबी ने अपने साथ एक रस्सी और चाकू लिया और अपने पुत्र को लेकर अराफात पहाड़ी की ओर गए पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद इस्माइल ने अपने पिता से कहा कि वो उसके हाथ और पैर बांध दें ताकि वो कुर्बानी के समय संघर्ष न कर सके नबी ने ऐसा ही किया उसके हाथ और पैर बांध दिए और फिर उन्होंने स्वयं अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली क्योंकि वो अपने पुत्र को तड़पते नहीं देख सकते थे नबी ने चाकू उठाया लेकिन अचानक आकाश से आती एक ध्वनि उन्हें सुनाई दी उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और देखा कि स्वर्ग से एक भेड़ को भेजा गया है अल्लाह ने इस्माइल की जगह भीड़ को कुर्बानी के लिए भेजा था नबी अब बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनका पुत्र जीवित रह सकता था नबी और उनका पुत्र अल्लाह सुबहान ताला की परीक्षा में सफल हो गए थे इब्राहिम अलह सलाम ने भीड़ की कुर्बानी दी और उन्होंने उत्सव बनाया नबी और उनका पुत्र लोगों को अल्लाह की राह पर बुलाते रहे अल्लाह की इबादत के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं था इसलिए अल्लाह ने उन्हें एक स्थान का निर्माण करने को कहा अल्लाह ने मुझे काबा का निर्माण करने का आदेश दिया है नबी ने अपने पुत्र से कहा इस्माइल ने उत्तर दिया जैसा अल्लाह कहते हैं आप वैसा कीजिए फिर नबी ने अपने पुत्र से कहा कि वो निर्माण में उनका सहयोग करें और इस्माइल तैयार हो गया उन्होंने भवन की नींव रखना आरंभ किया इस्माइल अले सलाम पत्थर लेकर आए जबकि इब्राहिम अले सलाम भवन का निर्माण कर रहे थे जब दीवारें ऊंची खड़ी हो गई तब इस्माइल एक बड़ा पत्थर लेकर आए जिससे नबी उस पर खड़े होकर निर्माण कार्य कर, कर सकें। इस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहा गया जब उन्होंने नींव और दीवारों का कार्य समाप्त कर लिया तो इब्राहिम ने इस्माइल से कोने को भरने के लिए एक पत्थर लाने को कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ इस्माइल ने अपने पिता से कहा लेकिन इब्राहिम के बार बार कहने पर इस्माइल पत्थर लेने चले गए इसी बीच एक देवदूत नबी के लिए पत्थर लेकर आया देवदूत ने बताया कि ये पत्थर स्वयं आदम अलह सलाम जन्नत से लेकर आए थे प्रारंभ में ये पत्थर सफेद था लेकिन धरती पर लोगों के पापों के कारण यह धीरे धीरे काला पड़ गया इस्माइल जब लौट कर आया तो वहां पत्थर देखकर आश्चर्यचकित रह गया उसने अपने पिता से पूछा ये कहां से आया उन्होंने कहा इसे वो लेकर आया है जो कभी नहीं थकता और अंततः काबा का निर्माण संपन्न हुआ उन्होंने अल्लाह सुबहानल ताला से इस कार्य को स्वीकार करने का निवेदन किया अल्लाह अपने आदेश के पूरा होने से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने इसे जनता के बीच एक तीर्थ स्थल घोषित किया लोग वहां घुमावदार पहाड़ी रास्तों और घाटियों से होते हुए पैदल या ऊंटों से पहुंचते नबी अब वृद्ध हो गए और उनकी पत्नी सारा भी एक दिन वो घर के बाहर बैठे हुए थे तभी उन्हें अपनी ओर आते तीन व्यक्ति दिखाई दिए वास्तविकता में वो लोग अल्लाह सुबहानल ताला के भेजे देवदूत थे नबी ने घर के अंदर उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन पर निमंत्रित किया आगंतुक अंदर आए और भोजन के लिए बैठ गए नबी ने उन्हें भुना हुआ मांस परोसा पर आगंतुकों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया नबी डर गए फिर देवदूतों ने नबी से कहा वो डरे नहीं उन्हें बताया कि वे वास्तविकता में अल्लाह सुबहानल ताला के भेजे देवदूत हैं उन्होंने बताया कि वो उन्हें एक शुभ समाचार देने आए हैं उन्होंने कहा अल्लाह सुबहान ताला उन्हें एक पुत्र देने वाले हैं, जिसका नाम उन्हें ईशाक रखना चाहिए उन्होंने नबी से यह भी कहा कि उनका यह पुत्र आगे चलकर स्वयं एक नबी होगा सारा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ उन्होंने आश्चर्य से कहा यह सच कैसे हो सकता है मैं बहुत वृद्ध हो गई हूँ देवदूतों ने कहा अल्लाह सुबहानल ताला की कृपा से सब कुछ संभव है कुछ महीनों बाद सारा गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई नबी ने उसका नाम ईशाक रखा जैसा कि देवदूतों ने उन्हें बताया था कुछ वर्षों बाद नबी इब्राहिम को अपने बेटे इस्माइल की याद आई तो वो उससे मिलने निकल गए लेकिन जब नबी इस्माइल के घर पहुंचे तो वो वहां नहीं थे उनकी पत्नी बाहर आई जब नबी ने इस्माइल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इस्माइल आजीविका के साधन ढूंढने गए हैं नबी ने जब उनसे उनके जीवन के बारे में प्रश्न किया तो वो अपना दुखड़ा रोने बैठ गई उसने असंतोष प्रकट किया कि उनका जीवन अनेक कठिनाइयों और कष्टों से भरा हुआ है वो अल्लाह सुबहान भी आभारी नहीं थी नबी को यह भान हुआ कि वो उनके पुत्र के योग्य नहीं है उन्होंने अपनी पुत्र वधु से कहा कि जब इस्माइल वापस आए तो उन्हें मेरा सलाम कहिए और उन्हें घर की चौखट बदलने को कहिए नबी की ये बात उनके बेटे के लिए एक संकेत थी और वो वापस आ गए जब इस्माइल संध्या को घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा क्या कोई घर आया था उन्होंने कहा हां, और संदेश दे दिया इस्माइल ने जब यह संदेश सुना तो वो समझ गए कि वो उनके पिता ही थे जो उनके घर आए थे वो इस संदेश के पीछे छिपे उद्देश्य को भाप गए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा वो मेरे पिता थे और उन्होंने तुम्हें तलाक देने की सलाह दी है तुम अपने घर वापस चली जाओ और उनकी पत्नी अपने घर वापस चली गई और इस्माइल ने दूसरी महिला से विवाह कर लिया बहुत समय बाद फिर नबी को अपने पुत्र की याद आई और वो फिर उनके घर गए जब वो पहुंचे तो द्वार पर उनकी नई पुत्र वधु थी नबी ने उनसे वही प्रश्न पूछे जो पहले पुत्र वधु से पूछे थे लेकिन इस बार मिले उत्तरों से नबी ये जान गए कि बेटे की दूसरी पत्नी एक महिला है वो अपने आसपास उपलब्ध हर वस्तु के लिए अल्लाह के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है नबी बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने कहा जब तुम्हारे पति वापस आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना उन्हें यह भी कहना कि वो अपने घर की चौखट यूं ही सजा कर रखें। इस गुप्त संदेश को देने के बाद वो वापस लौट गए संध्या को जब इस्माइल वापस आए उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा क्या कोई आया था उनकी पत्नी ने उन्हें पूरी बात बताई और संदेश सुना दिया इस्माइल बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने कहा वो मेरे पिताजी थे और घर की वो चौखट तुम हो उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें सदैव अपने साथ रखूं। नबी इब्राहिम अल्ले सलाम लोगों को 175 साल तक अल्लाह की राह दिखाते रहे इस बीच अस्तित्व ने कई बार उनकी परीक्षा ली लेकिन उनका विश्वास अल्लाह सुबहान अल ताला पर लगातार बना रहा नबी इब्राहिम अले सलाम का जीवन हमें ये शिक्षा देता है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के अल्लाह सुबहानल ताला से प्रेम करना चाहिए हालांकि कुरान में पूरे 25 नबी बताए गए हैं किंतु अल्लाह ने केवल दो ही नबियों को मानवता के लिए बिल्कुल उपयुक्त तो बताया है और वो है पैगंबर मोहम्मद सलाम और पैगंबर इब्राहिम सलाम माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी कहानी थी हम्म तो तुम्हें नबी इब्राहिम की ये कहानी अच्छी लगी हाँ बहुत बाबा हाँ, हा, हा, तो क्या मैं इस कहानी से संबंधित तुमसे कुछ सवाल पूछूं? ठीक है जी मुझे उन पर्वतों के नाम बताओ जिनके बीच हाजर ने भाग दौड़ की यात्रियों ने नबी की पत्नी को कैसे ढूंढा मैं तुम्हें तीन विकल्प देता हूँ पहला उन्हें पर्वत की ओर एक पशु दौड़ता दिखा दूसरा उन्हें पर्वत के नीचे पानी बहता दिखा तीसरा उन्हें पर्वत के ऊपर एक पक्षी दिखाई दिया तीसरा वाला जब यात्रियों ने पहाड़ के ऊपर पक्षियों को उड़ते हुए देखा हा हा, फिर से सही अब अगला प्रश्न अल्लाह ने इब्राहिम अलैह सलाम की परीक्षा कैसे ली मैं ये जानता हूँ अल्लाह सुबहान ताला ने इब्राहिम अलैह सलाम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी और क्या उन्होंने कुर्बानी दी नहीं कुर्बानी से पहले अल्लाह ने नबी को कहा कि वे उनकी परीक्षा ले रहे थे और अल्लाह ने एक भेड़ को कुर्बानी के लिए भेज दिया माशाल्लाह, बिल्कुल सही उत्तर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा धन्यवाद बाबा ये बताओ कि देवदूत जो सफेद पत्थर लाए थे उसका रंग काला क्यों हो गया दुनिया में लोगों के पापों के कारण वो काला हो गया बहुत अच्छे और अब अंतिम प्रश्न नबी के दूसरे पुत्र का नाम क्या था वो इशाक सलाम थे ये सही है ना बाबा हाँ बेटा ये सही उत्तर है आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह कल मैं तुम्हें एक और नबी की कहानी सुनाऊंगा कौन से नबी की कहानी बाबा इंशाल्लाह मैं कल तुम्हें नबी इस्माइल अलैह सलाम की कहानी सुनाऊंगा धन्यवाद बाबा शुभ रात्रि। शुभ रात्रि